हेलो दोस्तों, मैं प्रमिला दिया अपने चैनल यू एंड मी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पूजा से संबंधित कुछ जरूरी नियमों के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा सुखी और समृद्धि जीवन के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं और पूजन से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा हमारी जो पूजा होती है वह पूर्ण नहीं मानी जाती। आज हम कुछ नियमों के बारे में बताएंगे जिनको पूर्ण करने से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण मानी जाती है। पहला काम, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दूसरा काम, माँ दुर्गा को एक प्रकार की घास नहीं चढ़ानी चाहिए, है गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंच देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंच देव का ध्यान करना चाहिए, इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, अगला क्या नियम हो सकता है? तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए हुए नहीं तोड़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते, और रविवार के दिन तो तुलसी को पानी भी नहीं देना चाहिए। अगला कार्य क्या हो सकता है या अगला नियम क्या हो सकता है? सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। अगला या छठा नियम क्या हो सकता है? देवी देवता का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार पूजन, दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयान करवाना चाहिए। शाम के समय 4 से 5 बजे पुनः पूजन और आरती, रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहां सभी देवताओं का वास होता है। अगला क्या हो सकता है? कभी भी हमें प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में हमें गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह इस नियम का पालन नहीं किया जाता तो जहां शंख बजाया जाता है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती है। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। एक रविवार को एक प्रकार की घास नहीं तोड़नी चाहिए जो दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगला क्या हो सकता है? शिव जी को प्रिय विल्लो पत्तर 6 माह तक बासी नहीं माना जाता, अतः इन्हें जल छिड़कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित आप कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक अपवित्र नहीं माना जा सकता, इसको 11 दिनों तक आप यूज कर सकते हैं। फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए। इसी पात्र में से लेकर देवी देवता को अर्पित करने चाहिए। तांबे के बर्तन में
चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूजा हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख रख कर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो 6 से 8 बजे के बीच में ही पूजा करें। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होगा तो और भी अच्छा होता है या श्रेष्ठ माना जाता है। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य ही जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजन क्रम और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार आरती करें। अगला क्या हो सकता है? पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 7, 5, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए। इससे बड़ी नहीं। खड़े हुए गणेश जी या सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। आपको बैठे हुए भगवान की मूर्ति लेंगे तो यह आपके घर के लिए, सुख समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा होगा। गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3 या शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमूती चक्र 2 की संख्या में कदापि न रखें। अपने मंदिरों में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी, फाइबर की मूर्तियां न रखें। वह खंडित, जली कटी फोटो, टूटा हुआ कांच तुरंत हटा दें। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। खंडित मूर्ति को पूजा अशुभ मान जाती है। दोस्तों, अगला उपाय क्या कर सकते हैं, क्या नियम हो सकता है? विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 और शिव की आदि परिक्रमा कर सकते हैं। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें, आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता और पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नेतृत्व कोने में स्थापित करें। दोस्तों, आज ये छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपके पास कोई कमेंट है तो नीचे बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।